मध्य प्रदेश के रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां तालाब में कपड़े साफ कर रही महिला की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहाँ चाक घाट में तालाब में डूबने से महिला की मौत हो गई। ब्यूरो चीफ ब्रिज कुमार की खास रिपोर्ट। नाम सर बाबूलाल साकेत थे। क्या घटना हुई सर? हमारी औरत जो है तो तारा में बर्तन धुला हुआ कपड़ा धुलाई गई थी, वहीं डूब के खत्म हो गई थी सर। हम घर नहीं रहे थे, चले गए थे कुटी काटने के लिए। तो सर हमारे लगे 11 बजे गए बुलाने के लिए, मालिक जिनका ट्रैक्टर है तो हम ही आए सर। फिर टूटते चले गए ससुराल के, देखे लाश निकाल ही रहे पहले से, फिर चला गया ससुराल बुलाने के लिए। बुला के लेके आए सास हमारा आए देखें ताकि न फिर हो गए साहेब लोग सब जने गए फिर हो गए, लेकिन पढ़ें बुला के लेके यहाँ चले आए हैं।